हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त श्रीवास्तव। तो आज मैं आप लोग को ये आई मेकअप करके दिखाने वाली हूँ अपने हैंड पे, कि आप लोग खुद कैसे प्रैक्टिस करो घर पे आई मेकअप को। देखिए, आपको सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा लेना है। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया एडमायरा का। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, छोटा सा पेंसिल 5 या 10 रुपये का मिलता है आईब्रो पेंसिल, उससे आप पहले ड्रॉ कर लो। और उसके बाद आपको इस तरीके से एक ब्रश लेना है और उसके बाद उसमें आई शैडो फिल कर देना है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का आई शैडो इसमें फिल कर दी हूँ, आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको इस तरीके से कोई कंसीलर या पेन स्टिक लेकर के इसको आपको एक शेप में देना है। जैसे कि जब हम ब्राइडल का भी मेकअप करते हैं, आई मेकअप, तो सबसे पहले हम लोग को उनके आईज़ को इस तरीके से क्रीज पे कंसील कर लेना होता है, कंसीलर लगा लेना होता है। उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करना होता है, ताकि जो भी कलर हम उस पर आई शैडो या जो भी कलर हम लगाएँ तो इन्हें सो करके वो अच्छे कलर में दिखे। देखिए, यहाँ पर मैं पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर कंसीलर लगा ली हूँ। और उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर जो है मैं आईलाइनर से ही थोड़ा सा इसको हेयर जैसा उस पर दिखा रही हूँ, थोड़ा रियल दिखाने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है आप, मतलब अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिंपल सा एक आईब्रो बना कर कर लो। ये मैं इसलिए थोड़ा सा कर दूँ, थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आईलाइनर की मदद से यहाँ पर थोड़ा सा हेयर टू हेयर बना रही हूँ। तो उसके बाद आपको देखिए, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगी कहाँ से आपको मेकअप स्टार्ट करना है आँख का। तो देखिए, इस तरीके से आपको बंद की हुई आँख का शेप देना है, नीचे से गोलाई की तरफ, चंद्रमा की तरह। हम लोग जब आँख बंद करते हैं तो आप देखिएगा, आप लोग का शेप ऐसी आँखों का दिखता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं एक फ्लफी ब्रश ली हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसी ब्रश का यूज़ करते हैं बेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन से बेस क्रिएट कर रही हूँ न्यू कलर में। तो यहाँ पे देखिए, बेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बेस क्रिएट नहीं करेंगे तो आई शैडो जो भी हम लोग लगाएंगे तो वो प्रोफेशनल नहीं दिखेगा और बिल्कुल अजीब सा दिखता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि पहले हम क्रीज लाइन के ऊपर बेस क्रिएट करें। इससे क्या होगा, जब हम कोई कलर लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा दिखता है, शैडो में दिखता है और बहुत ही प्यारा दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको गोल्डन एंड लाइट डार्क पिंक कलर में अभी मैं जो फोटो दिखाई उस तरीके का दिखाऊंगी। तो उसमें देखिए, यहाँ ब्राउन कलर तो कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन बेस मैंने क्रिएट किया तो उस वजह से वो अच्छा दिख रहा था काफ़ी। तो आप जब भी करो तो ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से करना है आपको, ये नहीं कि मतलब कि बस 3-4 बार घुमाया तो हो गया। देखिए, यहाँ पर तो मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाई हूँ, ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो। तो यहाँ पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करना है, ब्लेंडिंग से ही पूरा खेल। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छा करोगे तो आई मेकअप काफ़ी अच्छा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, फ्लैट ब्रश मैंने लिया है चौड़ा वाला। तो यहाँ पे BSMAL का ही ब्रश है, आप अफोर्डेबल में कोई ब्रश ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई ब्रांडेड ही ब्रश लेना तभी आपका आई मेकअप अच्छा होगा। आपके हाथ में अगर हुनर है, कला है, तो आप किसी भी ब्रश से आई मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं फ्लैट ब्रश से एक क्रीज लाइन बना रही हूँ, उसके बाद वी शेप में उसको इनर कॉर्नर की तरफ लेकर के जाके और आउट कॉर्नर की तरफ डार्क दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं दोनों आँखों में कर रही हूँ इस तरीके से। डार्क पिंक कलर मैंने लिया है और मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ दिखाने के लिए थोड़ा सा और डार्क कलर एक लगाऊंगी, इंडिगो कलर, मतलब डार्क बैंगनी कलर में अभी बेस क्रिएट करूँगी आउटर वी कॉर्नर की तरफ। तो इधर से जो है थोड़ी रोशनी आ रही थी, इस वजह से इधर का कलर थोड़ा लाइट दिख रहा है, बट सेम रियल देखने में, बट दोनों का कलर सेम था कैमरे में। इस तरीके से आया, एक लाइट आ रहा है, एक डार्क आ रहा है, बट दोनों का कलर सेम ही था रियल में देखने पे। तो उसके बाद देखिए, आपको इस तरीके से कर लेना। अब यहाँ पे जो है डार्क कलर मैंने लिया है बैंगनी कलर, उससे मैं यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डार्क कलर कॉर्नर में। तो यहाँ पे मैंने कोने पे जो है डार्क कलर बैंगनी, डार्क बैंगनी कलर से आई शैडो फिल कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा डेप्थ में आई चली जाए, थोड़ा और अच्छी दिखे। तो आप जो है, अगर आपको डेप्थ में आई दिखानी है तो आप जो है आउटर वी कॉर्नर की तरफ ही जो है थोड़ा डार्क कलर रखो, और इधर इनर वी कॉर्नर की तरफ जो है आप आईज के लाइट कलर रखो, तब आँखें बहुत प्यारी दिखती हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं दोनों कलर को मर्ज कर रही हूँ, ताकि अलग अलग कोई लाइन ना दिखे, क्योंकि वो भी बहुत गंदा लगता है जो अलग से लाइन दिखती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप 2 कलर या 3 कलर यूज़ करें तो आपको उस कलर को मर्ज कर देना है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना है। फिर यहाँ पे देखिए, मैं हाफ कट क्रीज बना रही हूँ सेम ब्रश से जिसे मैंने आईब्रो फिल किया हुआ था।
तो आपको इस तरीके से हाफ कट क्रीज बना लेना है। मैं इस तरीके से बहुत सारे आईज मेकअप डाली हुई हूँ, रियल ब्राइडल के भी आईज मेकअप डाली हुई हूँ, आप वहाँ भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियो को। और भी अगर आप घर बैठे ब्यूटी पार्लर सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप घर बैठे फ्री में पार्लर सीख सकते हो। उसमें हेयर कटिंग के वीडियो और फेशियल के, क्लीन अप के, वैक्सिंग के, आई मेकअप के, ब्राइडल मेकअप के सारे वीडियोज़ डाल रही हूँ और आज आगे भी डालती रहूँगी। तो अगर आपको मेरे चैनल से सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने नया नया वीडियो क्या डाला। तो यहाँ पे फिर मैंने मिनी ब्लेंडर लिया है, यहाँ पे उससे इसको टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है देखिए, मैं फिर से मर्ज कर रही हूँ कलर को, ताकि वो लाइन ना दिखे हम लोग को, जो लाइन क्रिएट हो जाती है क्रीज करने के बाद, तो वो क्रिएट हो जाती है, तो फिर हम लोग उसको ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो अलग से हार्श ना दिखे। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने उंगली की हेल्प से गोल्डन सिमर कलर यूज़ किया हुआ है आई शेडो पैलेट से। आप ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम कलर यूज़ करो, आपको मेकअप सीखना है तो आप बहुत सारे कलर चूज़ करके अपने हाथ पे सीख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए मार्स का ग्लिटर यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अफोर्डेबल ग्लिटर है ये, आप सीखने के लिए ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे घर पे सीखने के लिए तो ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे सीख सकते हैं मेकअप। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्लिटर यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने कोई टू वे जेल और कुछ नहीं यूज़ किया है। मार्स का ग्लिटर इतना अच्छा है कि डायरेक्ट जा करके उस पर चिपक जाते हैं, तो कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैं लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। लाइनर के लिए यहाँ पे मैं ग्राफिक लाइनर बना रही हूँ। ग्राफिक लाइनर काफ़ी इजी होता है, कुछ नहीं, बस आपको देखिए, आप ध्यान से बस इसको देखिए मैं कैसे कैसे पहले स्टेप फॉलो की हूँ, उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से लाइनर लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक मैंने सीधी लाइन खींची, उसके बस साइड साइड से, अब आपको जो हम लोग की लीड होती है ना उस पर बस आपको एक लाइन डायरेक्ट खींचते चले जानी है, उसके बाद आप लाइनर काफ़ी अच्छे से लगा लोगे। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है इतने अच्छे से लाइन क्रिएट, बट जब हाथ सेट हो जाता है ना, आप दिन भर में 10-15 ऐसे लगाओगे ना, मतलब सीखोगे तो आपका हाथ वो बैठ जाएगा, तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता, माँ के यहाँ बाहर ही सब सीखा है, और मेन बात है जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ मायने रखती है, आप प्रैक्टिस मत छोड़िए, आप डेली प्रैक्टिस करिए, तो कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा लाइनर क्रिएट हो चुका है, और कितना उस लाइनर से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मेकअप, अभी तो बहुत सुना सुना दिख रहा था। फिर दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही लाइन क्रिएट की है, पहले सीधी लाइन खींची, उसके बाद आउटर कॉर्नर पर मैंने वीवी शेप में बनाया, अब इधर से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो आप जो है पूरी वीडियो देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे आईलैशेस बनाऊंगी, हाईलाइट करूंगी, नोज़ क्रिएट करूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे आपको मेकअप करना है आईज़ पे। तो आपको सीखने की जरूरत इतनी मैंने यहाँ बीच में बताया, बस वही पड़ेगा नोज़ वगैरह, तो आप जो है ब्राइडल की बनी ही रहेगी, जिसका भी आप मेकअप करोगे आई बना ही रहेगा, बस आपको उसको फील करना रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो बेस जिससे क्रिएट जिस कलर से क्रिएट किया था, मैंने सेम उसी कलर से यहाँ पे नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ, मतलब कि नोज़ बना रही हूँ, और बीच में जो है एक वाइट कलर लेकर के उसको थोड़ा सा हाईलाइट की हूँ। अब यहाँ पे मैं शैडो थोड़ा सा क्रिएट कर रही हूँ, ताकि आई लैसेस जो मैं बनाऊँ फेक तो वो रियल दिखे। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैट ब्रश से सेम वही कलर यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे जो है आई लैसेस क्रिएट कर रही हूँ। आईलैशेस क्रिएट करना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, जैसे मैं देखिए कर रही हूँ, बस एक एक थोड़ा सा लाइन देते जाना है कर्व लाइन में, और ये आपका लैस बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।